हेलो एवरीवन, आज मैं आपको लेके आया हूँ एब्सोल्यूट बारबेक्यू पे, जो कि एब्सोल्युटली अमेजिंग है। व्हाई? क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको एक्जॉटिक मीट से लेकर एक्जॉटिक वेजिटेबल्स और वैरायटी ऑफ सी फूड के ऑप्शंस खाने मिलेंगे। और इन सब चीज़ों के अलावा यहाँ पर इतने सारे आइटम्स हैं ना कि आप अगर सारे भी ट्राई करें, चार घंटे तक बैठे यहाँ ट्राई करने की कोशिश करें, तो आप नहीं कर पाएंगे। यू डोंट बिलीव मी, राइट? यू ऑलवेज डोंट बिलीव मी यार। दैट इज आई एम गोइंग टू शो इन दिस वीडियो। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल द लोकल गाइड पे। मैं हूं नदीम। लेट्स स्टार्ट। वैसे तो एब्सोल्यूट बारबेक्यू की पुणे में काफी सारी ब्रांचेस हैं, पर मैं आज आपको लेके आया हूँ पिंपरी वाली ब्रांच में। ऐश्वर्यम वन बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर पे एब्सोल्यूट बारबेक्यू जस्ट कुछ ही दिन पहले खुला है। एब्सोल्यूट बारबेक्यू की इस फैसिलिटी का इंटीरियर और डेकोरेशन बहुत ही अमेजिंग है। ये जगह इतनी ज्यादा स्पेशियस है कि यहाँ पर ऑफिस पार्टीज, फैमिली पार्टीज आराम से की जा सकती है। मैं जिस समय गया था उस समय काफी भीड़ थी, फिर भी यहाँ पर जगह की कोई कमी नहीं थी। अब चलिए इस जगह को अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं। ये रहे बुफे के चार्जेस, आप पॉज करके अभी देख सकते हैं। तो ये है मेन कोर्स एरिया। यहाँ पर वेज और नॉन वेज दोनों ही मेन कोर्स अवेलेबल है, जिसे आप प्लेट में लेके सर्व करके आराम से खा सकते हैं। तो ये देखिए, ये वाला जो सेक्शन है, यहाँ पर प्लेट्स वगैरह रखी हुई है, यहाँ पर आप प्लेट ले सकते हैं। उसके बाद फिर आप यहाँ पर आ सकते हैं। अलग अलग तरह के आइटम है, जैसे यहाँ पे देखिए नूडल, थाई करी, आई बिलीव पनीर बटर मसाला है, वो दम आलू मटर की कोई सब्जी है, उसके अलावा कोफ्ता है, यहाँ पर देखिए राइस, दाल, तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं आप जिसे वेजिटेरियन ऑप्शंस में आराम से लेके खा सकते हैं। अब ये वाला सेक्शन देखिए वेजिटेरियन का, यहाँ पर दही वड़ा है, बहुत ही प्यारे छोटे छोटे एकदम मेरे जैसे प्यारे प्यारे दही वड़े हैं। उसके अलावा यहाँ पर कर्ड राइस है, दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट थिंग यू कैन हैव, पेट इससे काफ़ी कूल डाउन हो जाएगा, स्पेशली अगर आप वो शार्क का मीट खा रहे हैं तो। उसके अलावा देखिए रायता है दही का, कुछ सलाद जैसा आइटम्स है यहाँ पे, सिरके वाली प्याज जो कि बहुत ही ज़रूरी है इफ़ यू आर ईटिंग अ मेन कोर्स, और उसके अलावा यहाँ पर बिरयानी भी है, और ये आई थिंक इट इज़ अ चिकन बिरयानी, काफ़ी अच्छा अरोमा आ रहा है। बट हम यहाँ बिरयानी के लिए नहीं आए, वी आर गोइंग टू ट्राई द डिफरेंट आइटम्स, स्टार्टर्स एंड ऑल। यहाँ पर ब्रेड का भी काफ़ी अच्छा सिलेक्शन है, आप देख सकते हैं, देखिए काफ़ी अच्छे सारे ब्रेड हैं। अब इस सेक्शन में आप जैसे ही आएंगे ना, तो आपको यहाँ श्रिम्प की करी मिलेगी, उसके अलावा चिकन फ्राइड राइस, मस्टर्ड फिश और दम का मुर्ग जैसे आइटम मिलेंगे। सिर्फ स्टार्टर की बात करें तो स्टार्टर में तो वैरायटी ऑफ ऑप्शंस है ही, उसके अलावा मेन कोर्स में भी देर आर सो मच ऑफ ऑप्शन। तो गाइज ये जो सेक्शन है ये है डेजर्ट का, और यहाँ पर आपको आइसक्रीम भी मिलती है। तो यहाँ पर काफ़ी सारा आइटम है, जैसे स्वीट्स एंड डेजर्ट, जिसमें जलेबी है, ये च्यूरोस है जो कि आप चॉकलेट में डिप करके खाते हैं, बेसन बर्फी है, बालूशाही है, पाइनएप्पल बर्फी है। तो ये आइसक्रीम सेक्शन है, और यहाँ पे आइसक्रीम के अलावा काफ़ी सारी पेस्ट्रीज भी हैं, फ्रूट केक वगैरह भी है। और इधर पे अगर आप आएंगे, ये जो सेक्शन है, ये जो ओपन फ्रिज है, इसमें आपको फिरनी, पेस्ट्री, पुडिंग, ये सारी चीज़ें भी मिल जाएंगी खाने के लिए। अमेजिंग, द नंबर ऑफ ऑप्शंस इज जस्ट माइंड ब्लोइंग। नाउ लेट्स गो टू द नॉन वेज सेक्शन, विच इज़ माई फेवरेट। तो अभी हम आ गए हैं मेरे फेवरेट सेक्शन पे। आई एम रियली सो एक्साइटेड टू ट्राई द डिशेस फ्रॉम हियर। यहाँ पर ऐसी ऐसी चीज़ें ना जो मैंने बस सोचा ही था सपने में, यहाँ पे ऑक्टोपस है। सो एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो यू माइट बी लिटिल बिट यू नो अनकम्फर्टेबल आफ्टर सीइंग दिस, तो आप अगर चाहें तो ये पार्ट स्किप कर सकते हैं, बट यू कैन लुक एट इट, यू नो। सो दिस इज़ अ सेक्शन विच इज़ रियली इंटरेस्टिंग, और मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहला जो है यहाँ पर ग्रिल्ड कड़कनाथ चिकन रखा हुआ है, उसके अलावा ये छोटे छोटे पंछी हैं जिनको कोयल कहते हैं इंग्लिश में, तीतर कहते हैं हिंदी में। उसके अलावा यहाँ पर है ये टर्की भी ग्रिल वे में रखा हुआ है, साथ में काफ़ी सारे वेजिटेबल्स भी हैं, जैसे पोटैटो, अनियन, टोमेटो, ये भी ग्रिल्ड हैं। उसके अलावा यहाँ पर है हमारा फाउल, जो एक तरह का पंछी होता है और ये कुछ इस तरीके का दिखता है, इसके साथ भी कोयल काफ़ी तरह से सजाया गया है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको पिज़्ज़ा का सेक्शन है, सो यू कैन ऑर्डर द पिज़्ज़ा, वो आपके हिसाब से आपको बना के देंगे। उसके अलावा यहाँ पे मोमोज भी हैं, नंबर ऑफ ऑप्शंस यू कैन चूज फ्रॉम, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और अभी हम दूसरे सेक्शन में जाते हैं जो कि है ये वाला, ये पास्ता का सेक्शन है। यू लव पास्ता, यू कैन ऑर्डर इट एंड ईट इट फ्रॉम हेयर। अभी मैं आपको लेके आया हूँ दूसरे सेक्शन पे नॉन वेजिटेरियन के, जो है विश ग्रिल। जैसा कि नाम से सब पता चल रहा है, यहाँ पे आप जो भी आइटम इस पूरे ऑप्शंस में से चूज़ करेंगे, इसमें शार्क, क्वेल, ऐसे मीट के ऑप्शंस हैं, जैसा आप इसमें से चूज़ करेंगे ये आपको वहाँ पे ग्रिल करके देंगे। उसमें नूडल्स वगैरह भी ग्रिल होती है, और चिंता मत करिए अगर आप शार्क वगैरह नहीं खाना चाहते तो देयर इज़ अ डिफरेंट सेक्शन फॉर बोथ। तो नूडल्स वगैरह इस तरफ बनती है, और जो चिकन वगैरह है, सी फूड वगैरह है, वो दूसरे साइड बनता है।
यहाँ पर एक स्पेशल है सी फूड मेलोडी जो आपको ट्राई करना ही चाहिए, उसमें ऑक्टोपस भी है। अगर आप एडवेंचरस हैं मेरे जैसे तो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। अब हम ग्रीन सेक्शन में आ गए हैं यानी वेजिटेरियन सेक्शन में। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे वेजिटेरियन आइटम्स मिलेंगे, बहुत सारे डिफरेंट वेजिटेबल्स के ऑप्शन से चूज़ करने के लिए, जैसे मशरूम, जुकनी, वाटर चेस्टनट, स्वीट कॉर्न, बैम्बू शूट, जेलेपिनो, बेबी कॉर्न, ब्रोकली, ऑलिव्स और ऐसे कुछ और भी आइटम्स हैं यहाँ पे। तो इसको आप चूज़ करके यहाँ पे ग्रिल करके बनवा सकते हैं। आप जो भी सॉस चूज़ करेंगे ये उस हिसाब से ग्रिल करके बना के आपको देंगे। अब ये लास्ट जो स्ट्रीट फूड वाला टच देने के लिए है एब्सोल्यूट बारबेक्यू में, यहाँ पे ये पानीपुरी वगैरह, चाट वगैरह का भी ऑप्शन रखा गया है। यू कैन ऑर्डर लाइक पानीपुरी, दही पूरी, शेव पूरी और पापड़ी चाट आप यहाँ बनवा कर खा सकते हैं। सो अभी मैंने आई थिंक सब कुछ आपको दिखा दिया है एंड सीटिंग अरेंजमेंट में अभी आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ सीटिंग अरेंजमेंट अवेलेबल है। एक है 4 सीटर यानी कि 4 लोग आप अपने यहाँ पे आके बैठ सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे 6 सीटर भी है और इफ़ यू वांट यू कैन गेट अ कॉर्नर पॉइंट लाइक दिस, आराम से यहाँ पे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा आपको। जैसा कि मैंने वहाँ लेके रखा है वो 2 लोगों के लिए भी अवेलेबल है वहाँ। सो जहाँ हम बैठे हैं वहाँ पे काफ़ी शांति है, सो दैट यू नो आई कैन टॉक टू यू गाइस इजिली विदाउट मच नॉइस। तो आई बिलीव दिस वॉज ऑल अबाउट दी एम्बियंस एंड द मेनू ऑप्शंस। अब हम खाएंगे, पेट गुड़गुड़ कर रहा है, बहुत भूख लग रही है, लेट्स गो टू द टेबल। तो अभी फाइनली मैं बैठ चुका हूँ खाने के लिए। यहाँ पर आपने जैसे देखा इन्होंने ये ग्रिल को लाके लगा दिया और इसमें अभी काफ़ी सारे आइटम्स ही ग्रिल करने के लिए ऑलरेडी लगा चुके हैं। एक और चीज़, जैसे ये जब आपके पास आता है ना, ये जो कबाब की जो सीख होती है ये ऑलरेडी पकी हुई होती हैं, यहाँ पर इसे थोड़ा सा और हीट करने के लिए कोल वगैरह रखा जाता है। तो इट्स लाइक अ गुड एक्सपीरियंस, बट ये यहाँ पे ग्रिल नहीं होता, ये अंदर होकर आता है। अभी मैं इसको खा के देखता हूँ कि कैजन पोटैटोज़ को। सबसे पहले ये देखिए, ये छोटे बेबी पोटैटोज़ ही होते हैं, इनको काफ़ी अच्छे तरीके से बॉईल किया जाता है, फिर ग्रिल करके फिर इसे वापस सॉस में पकाया जाता है। खा के देखते हैं। वाह, ठीक जो चाट की टिक्की होती है ना, पहले तो आलू का स्वाद वैसा आ रहा है बट ये जो सॉस है वेरी नाइस, इट्स वेरी माइल्ड और बहुत ही अच्छा टेस्ट है इसका। अब स्टार्ट करते हैं नॉन वेजिटेरियन वाले आइटम से। लेट्स ट्राई विद दीज प्रॉन्स, आई लव प्रॉन्स। ये काफ़ी छोटे वाले प्रॉन है, इसे निकालने के लिए आप ये वाले स्पून यूज़ कर सकते हैं। जब आपका काम हो जाए, सीख खाली हो जाए, तो आप उसे यहाँ पे ऐसे रख सकते हैं। ये मेयोनीज है और ये दही और पुदीने की चटनी है। यहाँ पे इनका खुद का बनाया हुआ काफ़ी सारा सॉस है जो आप खा के ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे से पक गया, सॉफ्ट है और सबसे अच्छी बात है मसाला इट्स नॉट टू स्पाइसी। ये जो है देखिए, ये है फिश टिक्का, इसे ट्राई करके देखते हैं इसके साथ। बहुत ही सॉफ्ट है, कोई ऐसा मछली का जो आता है ना एक एसेंस वैसा नहीं लग रहा है। अच्छे से मैरिनेट किया इन्होंने इसको और ये इस चटनी के साथ काफ़ी अच्छा लग रहा है, पुदीना चटनी के साथ। लेट्स ट्राई दिस चिकन, ये चिकन का नॉर्मल टिक्का ही है। इसका जो मैरिनेट है ज़्यादा स्पाइसी नहीं है और इसमें दही भी वगैरह नहीं डाली गई है शायद मैरिनेट में, तो आप चिकन का स्वाद आपको ज़्यादा आएगा और बहुत ही सॉफ्ट है, अच्छा लग रहा है खाने में। एक और इम्पॉर्टेंट बात, जो आपका यहाँ पैकेज होता है जिसमें भी आप आके खाते हैं वेज या नॉन वेज, उसके साथ आपको एक कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक फ्री मिलती है। तो यहाँ पर 2 तरह की ड्रिंक्स लेके आए हैं वो। सबसे पहले ये ट्रैंकुला जिसमें स्ट्रॉबेरी और लीची फ्लेवर रहता है। उसके अलावा हमारे पास है यहाँ पे एक और ड्रिंक जो है ब्लू एंजल, बहुत ही प्यारे से ग्लास में लाके इन्होंने दिया है, दिख भी कितनी खूबसूरत रही है। देखिए लेट्स ट्राई दिस वन फर्स्ट। लीची का टेस्ट ज़्यादा आएगा आपको इसमें, स्ट्रॉबेरी नहीं बल्कि लीची का टेस्ट ज़्यादा डोमिनेट करता है। लेट्स ट्राई दिस ब्लू एंजल, क्वाइट रिफ्रेशिंग, बहुत ही रिफ्रेशिंग है, ज़्यादा स्वीट भी नहीं है। काफ़ी सारे आइटम और भी लेके आ गए हैं यहाँ पे, वो मैं आपको ट्राई करके बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर है देखिए ये मटन कबाब, तो मैं टेस्ट करके बताता हूँ। ये मटन सीख कबाब बहुत ही अच्छा है, इट्स नॉट ड्राई, फैट की वजह से इसमें अंदर काफ़ी मॉइसनेस है और मसालों का हल्का हल्का फ्लेवर है, जो आपको गर्म मसाले उनका आपको स्वाद आएगा। अब दूसरा आइटम हम ट्राई करते हैं जिसका नाम है हैदराबादी तवा टंगड़ी। इसमें जो आपको मसाला है वो काफ़ी ज़्यादा दिखेगा दूसरी पीसेस के कंपेरिजन में। वाह, जो चिकन का लेग पीस है जनरली बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, रबरी टाइप का होता है, बट ये बहुत अच्छे तरीके से गली और जो मसाला है, मसाला बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, बिल्कुल तंदूरी जो चिकन होता है उस टाइप का स्वाद आ रहा है। अब नेक्स्ट आइटम ट्राई करते हैं जो है दही के शोले। ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है दिल्ली में, इसे बहुत ही खाया जाता है चाव से, इसके अंदर दही वगैरह की फीलिंग रहती है। जस्ट लुक एट दिस, कितना क्रंची है बाहर, अंदर उतना ही सॉफ्ट है और ये जो फीलिंग है दही की, इसमें आपको मिर्च और ज़ीरा भी नज़र आएगी,
बहुत ही अच्छा है खाने में एंड ये स्टार्टर के तौर पे बहुत ही बढ़िया है। अगर आप वेजिटेरियन है सो यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस, एंड नॉन वेजिटेरियन है तो यू शुड नॉट मिस दिस बिकॉज वो तो अपना स्वाद होता ही है बट दिस इज ऑल्सो रियली टेस्टी। अब हम ट्राई करते हैं क्रिस्पी कॉर्न, लेट्स ट्राई दिस वन। क्रिस्पी एंड नॉट वेरी स्पाइसी, और जो ऊपर धनिया है ना उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा फ्रेश लग रहा है खाने में। अभी वेजिटेरियन ऑप्शन ट्राई कर लेते हैं, बटन मशरूम फर्स्ट। बटन मशरूम में अचारी जो टिक्का होता है ना वैसा स्वाद आ रहा है काफ़ी, इट्स बिट स्पाइसी ना, थोड़ा स्पाइसी है तो आप खाने के बाद आपको ऐसा फील होगा कि हाँ आपने कुछ ऐसे स्पाइसी वाली चीज़ खाई है। अभी हम ट्राई करते हैं ये पाइनएप्पल टिक्का, आपको तो पता ही है कितना अच्छा है, मैंने ऐसे पमना वाली ट्रिप में बनाया था, वो वीडियो आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेट्स ट्राई दिस, ऐसा लगता है ना मीठे जूस से भरे पाउच को अपने मुँह पर डाल के चबा लिया, वो बाहर से क्रिस्प हो जाता है बट अंदर से कैरेमलाइज। पाइनएप्पल इज़ द बेस्ट स्टार्टर यू कैन ट्राई इन वेजिटेरियन। एंड नाउ द पनीर टिक्का, पनीर टिक्का जैसे ही स्वाद है, काफ़ी अच्छा है और सॉफ्ट है, थोड़ा ज़्यादा ग्रिल हो गया, मैंने काफ़ी देर से छोड़ दिया था, बट आप पनीर से ज़्यादा अच्छा ना वो काजून पोटैटो खा सकते हैं, बटन मशरूम खा सकते हैं, पाइनएप्पल खा सकते हैं, दो ज़्यादा गुड थिंग्स यू कैन ट्राई। अब जाते हैं वहाँ पे कुछ एग्जॉटिक फूड खाने के लिए, लेट्स ऑर्डर देयर। सबसे पहले मैं करूँगा सी फूड मेलोडी, जिसमें काफ़ी सारे टाइप के सी फूड मिले हुए रहते हैं। हाँ तो एक बात और ध्यान में रखिए, हालांकि ये बुफे है तो यू कैन ईट एज मच एज यू कैन, बट मेक श्योर आप उतना ही लें जितना आप खा पाएँ, अदरवाइज वो वेस्ट होगा। मैं बताते जाता हूँ भैया को, निकालते जाएंगे। ठीक है तो मैंने लगभग सारे मीट ही और बोल दिए उनको बनाने के लिए, ट्राई करके देखते हैं कैसा स्वाद रहता है। नमस्कार, अचानक भयानक मित्रमंडळाच्या वतीने आपल्याला भेटलेले आहेत द लोकल गाइड। नाम क्या सर आपका? मेरा नाम है नदीम अहमद और द लोकल गाइड नाम से चैनल है यूट्यूब पे मेरा। तुम्ही यांचा चॅनल नक्की बघा, सब्सक्राइब करा। हे फक्त फूड ब्लॉगर नाही आहेत, त्यांच्याकडे वेगवेगळ्या प्रकारचे व्हिडिओज आहेत, आपण फक्त फूड ब्लॉगिंग करतो म्हणजे मी स्पायसी पुणे आणि आता द लोकल गाइड, हे आपल्याला हिंदीतनं सांगतील, मी मराठीतनं सांगायचा प्रयत्न करतोय। तो अभी हम लोग अचानक भयानक जैसा कि इन्होंने बताया वैसा कोलैबोरेशन हो रहा है, चलिए अभी सारी डिशेस ट्राई करके देखते हैं। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आप सी फूड वाला ट्राई करो, इसमें स्क्विड है और ऑक्टोपस है। वो सक्शन कब से आपको तो पता ही है, डिस्कवरी सब देखते हैं तो शिकार को पकड़ता है वो, मछली का एक हल्का सा आएगा बट अच्छा है। दूसरा जो है इसमें स्क्विड है, देखो ये क्या होता है, उसका ऐसा कोन शेप रहता है स्क्विड का, तो उसको क्या करते हैं वैसे चॉप 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 करते हैं, रिंग बन जाती है। एक्चुअली ऑक्टोपस और स्क्विड काफ़ी सेम है, दोनों की आठ भुजाएं होती हैं बट इसका जो है बॉडी काफ़ी अलग होता है, इसका मेन जो है हेड वाला हिस्सा होता है वो खाने लायक होता है। चार ट्राई करो आप क्योंकि ये यहाँ पे काफ़ी यूनिक है। मिर्ची पण टाकलेली दिसते लाल धनी कुटून, जो अलग अलग बारबेक्यू सॉस वगैरह उसमें मिला के बनाया उन्होंने, खूब सॉफ्ट है, खूब सॉफ्ट है, मस्त अलग टेस्ट है, मतलब फिश की तरह नहीं लगता, नहीं तो अलग खा रहा है। हाँ खाने से आपको यहाँ नॉस्ट्रिल्स में पता चलेगा कि कुछ आपने अलग सी चीज़ खाई है, पूरा वो निकलता है स्वाद उसका, ये स्वाद दूसरे किसी पदार्थ में हमें नहीं मिला। नहीं सबसे अच्छी बात यह कि फिश जो है ज़्यादा स्टोर नहीं की गई है, काफ़ी फ्रेश है, वो तो पता चल जाता है क्योंकि उतना सॉफ्टनेस नहीं रहता राइट स्टोर करने के बाद। ये है खरगोश का मीट, बनी का मीट है, तो हालांकि जो जंगली होता है उसका तो बहुत ज़्यादा स्वाद होता है बट इसे खा के देखते हैं। अच्छा। इसकी भी पैदावार होती है जस्ट लाइक मुर्गी, पहली बार खा रहे हो? हाँ, मैं खा चुका हूँ इसको चेन्नई में, तो ट्राई करते हैं। एक्चुअली में ज़्यादा चिकन है ये। हाँ। बिल्कुल चिकन है, बिल्कुल कोई डिफरेंस ही नहीं है। अब जो ट्राई करने वाले हैं ना इसका तो इमू है ना, ये इमू है, ये हार्ड होगा इमू, आपको पता है ये ऑस्ट्रिच की बहन लगती है एक्चुअली, और काफी इसका गोश्त हार्ड होगा क्योंकि ये बहुत बड़ा जानवर है। मुर्गा की बहन, मुर्गा ये भी नहीं घुस रहा है चम्मच, क्या बात सच में देखो। अरे अरे मटना कैसे हार्ड जाते थोड़े से, ये जर्की जैसा लग रहा है जो अपन धुएं में सुखा देते हैं ड्राई मीट, वही 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 लग रहा है, बहुत हार्ड है चबाने में ये मत खाना अच्छा नहीं है। पहले बता रहा हूँ, पहली बार किसी चीज़ को अच्छा नहीं बोल रहा हूँ, इट्स टू हार्ड। ट्राई करू शकता कुछ छोटा अमाउंट मध्ये, हाँ एक्सपीरियंस करून घेऊ नका, अजिबात जिस आवाज खूप वेळ लागतो अपने को मुंह में थोड़ा कसर मशीन लगाना पड़ेगा चबाने के लिए। हाँ काफी हार्ड है, बहुत ज्यादा हार्ड है। डक नहीं नहीं वो तो मुर्गी बोलती है, ये डक है। क्या क्या खाया कंफ्यूजन हो रहा है क्या सब? लेट्स ट्राई। नहीं थोड़ा अलग टेस्ट, इसका टेक्सचर हार्ड है, हार्ड भी है टेक्सचर भी, और मुंह में अलग स्वाद आ रहा है, रूखा है ना ये बहुत ज्यादा, चिकन जूसी होता है रूखा है। अब हम जैसे हम चिकन खा के चिकन से काफ़ी चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं ना, इसका भी अलग ही स्वाद है। तो हम अभी फाउल खा रहे हैं, ये भी एक फाउल धरना रहे हैं, देखते हैं इसका टेस्ट फाउल तो नहीं होता है कहीं। चिकन
सेम चिकन, चिकन चिल्ली लग रहा है, टेस्ट भी चिकन चिल्ली लग रहा है खाने में, सेम तो फाउल आप ट्राई कर सकते हैं। तो ये है कड़कनाथ, कड़कनाथ तो पता ही है आपको कितना फेमस है, छत्तीसगढ़ बस्तर में मिलता था, फिर अब तो हर जगह मिलने लगा है। काली कोंबडी याला म्हणतो आपण कडकनाथला, मोठी असते, हार्ड असते चिकनपेक्षा, बहुत खाऊनाचा काय कडकनाथ। कमाल है, जो चिकन है उसका टेस्ट चिकन जैसा नहीं आ रहा है, इसमें हड्डी बहुत है, इसमें हड्डी बहुत है, मीट थोड़ा कम है, टेस्ट इसका चिकन से अलग है, चिकन जैसा नहीं है। तो अभी हम तीतर खाने वाले हैं, इसका लेग पीस लेते हैं, इसको खा के देखते हैं, काफ़ी सुना है इसके बारे में, देखते हैं। नहीं मुझे उतना इसका ये नहीं लगा, लेकिन बहुत लोग खाते हैं तीतर एक्चुअली। तो चिकन ही है, अच्छा लग रहा है, छोटा चिकन खा रहे हैं, थोड़ा स्वीट वाला चिकन ही है, हाँ स्वाद थोड़ा मीठा आ रहा है, मिठास है, मीठा है। जैसे चिकन में क्या होता है, फैट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, इसमें ज़्यादा चर्बी नहीं है, फैट नहीं है, उसकी वजह से ना ये थोड़ा सा रूखा है अंदर से, बट गोड लगता है, थोड़ी गोड़ अच्छी लगे, टेक्स्चर पूरा का पूरा चिकन जैसे ही है। तो फाइनली अभी हम मेन कोर्स पे आ गए हैं, तो मुख्य ह्याच्याकडे आपण आलेलो आहोत, इथे आपल्याला काय मुख्य म्हणजे काय, भाजी भाकरी किंवा नान, वेगवेगळ्या आयटम ब्रेडमध्ये त्यांच्याकडे खूप आहे आयटम आहेत, रोटी आहे, नान आहे, आणि ते अजून काय असतं, ते पराठा, लच्छा पराठा, हां तो पण आहे त्यांच्याकडे ऑप्शनमध्ये, दाल भी अलग अलग तरह की है। तो अभी हम नान से ट्राई करके देखते हैं, आम्ही अर्धे अर्धे आयटम वाटून घेतलेले, हां बट सारे आयटम लिए हैं। तो पहले मैं मटन करी ट्राई करना चाहता हूँ, पता नहीं क्यों बड़ी अच्छी लग रही, मटन की करी बहुत अच्छी है, पहले ही निवाले लेते ऐसा लगा कि हमारे गाँव में यूपी में बनती है मटन की करी, उसमें बिना टमाटर के सिर्फ खटाई वगैरह डाल के इतना अच्छा बनाया जाता है स्वाद, कि बिल्कुल वैसी ये जो है अपन चिकन दम बिरयानी दम आता ना दम का स्वाद वो चिकन के ग्रेवी में आ रहा है, ये मेरे पहली बार खा रहा हूँ, टेस्ट करके देखो ये भी। कितना स्मोकी है, वही मैं बोल, कोयले को रख के घी का स्मोक मारा है उन्होंने, अपन खूब बाप है, ये मस्त है, मटन मटन ग्रेवी मेन कोर्स में ट्राई करना ही करना है आपको, मटन की चव असते, चिकनला त्यांना दम की चव द्यावी लागली आहे, तो मटणाला मटणाची चव असल्याने खूप चांगलं लागते। तर आता आपण कोफ्ता बघूयात, कोफ्ता करी, ये वेज कोफ्ता आहे, कोफ्ता मस्त आहे, स्मूद आहे, रोल हार्ड आता है, लेकिन ये बहुत स्मूद है, एक्चुअली जितना ज़्यादा आप उसको सोक करेंगे उतना एब्जॉर्ब करेगा वो ग्रेवी, और उतना ज़्यादा वो सॉफ्ट हो जाता है, फिर खा के देखते हैं। प्रॉन बहुत ही हार्ड हो चुका है, इसका बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुका है, मेरे ख्याल से ज़्यादा बॉयल हुआ है इसलिए, और ये कड़ी पत्ता जो है जो इसका स्वाद चेंज कर रहा है, कड़ी पत्ता का ज़्यादा स्वाद आ रहा है, इसलिए साउथ इंडियन स्टाइल का रहता है, ज़्यादा मसाले नहीं रहते, एकदम सॉफ्ट फ्लेवर रहते हैं, वही यूज़ कर। यहाँ पर दही वड़ा भी है, अभी थोड़ा सा सूखा है अंदर से, आई थिंक उन्होंने फ्रेशली ऐड किया इसको, अंदर से काफ़ी ड्राई है, अंदर से बहुत काफ़ी ड्राई हो चुका है। ये फिश करी है, देखिए फिश एकदम सॉफ्ट है, टूट जा रही है बिल्कुल छूने से ही, अरे एकदम, ये मस्कट फिश है, सरसों का स्वाद डोमिनेट करी रहेगा इनको, एक्चुअली ही सेम करी आपण ओडिशाची जी करी म्हणून आपण ओडिशा एपिसोड केलाय त्यामध्ये दिसते ती, सेम करी मस्टर्ड वाली, तो खूप आवडला, जाम भारी है, बहुत ज़्यादा, मतलब इसको बोलते हैं क्रिएटिविटी, हाँ सिंपली आप मिर्ची खा लो, उसके बाद टूथपिक से यूज़ भी कर लो, भीजा नहीं है ना अंदर, इसलिए ज़्यादा तीखी नहीं है, भीजा है बहुत कम है, और ज़्यादा तीखा भी नहीं आ रहा, मतलब ऐसा करके अपने महाराष्ट्रीयन लोग को नहीं पसंद आएगा ये बिल्कुल, वो अपन तीखा खाने वाले टेचा खाने वाले लोग नहीं पसंद आएगा, इट्स गुड दैट दे आर हैविंग समथिंग लाइक दिस। ये बिरयानी है, ये मी खातो है, आता ये काय आहे वाटाण्याची भाजी मराठीत, मेथी मटर मलाई है, बहुत स्वीट है, स्वीट है, बहुत स्वीट है। और ये दम आलू है, दम आलू नहीं एक्चुअली, ये आलू फ्राई है, इसको किसी मसाले में ऐसे फ्राई किया गया है, एक्चुअली वर्थ ही नहीं, मतलब ये सब्जी खाने लायक ही नहीं लगती मेरे को, क्योंकि कारण फक्त त्यांनी जो बटर आहे तो जस्ट एका मसाल्यामध्ये परतून दिलेलं, काही केलेलं नाही आहे। अगर मेन कोर्स की बात करू ना, तो मैं नॉन वेजिटेरियन में तो आपको ये सजेस्ट करूँगा, यू कैन हैव सम बिरयानी, बट नान के साथ आप ये मटन वाली ग्रेवी लीजिए, ये फिश करी ले सकते हैं और प्रॉन की करी ले सकते हैं, बेस्ट है। मी वेजमध्ये सगळं खाऊ शकता, फक्त ह्या दोन भाज्या जे आलू आहे आणि ह्या मटर मेथी भाजी आहे, चिकन तुम्ही खाऊ शकता, मटन पण बेस्ट आहे, मटन बेस्ट बेस्ट आहे, बेस्ट चिकन पण मला खूप आवडले आणि बिर्याणी पण चांगला त्यांचा। तो अभी फायनली हम डेझर्ट सेक्शन पे आ गए हैं, तरी तिखट असला तरी त्याला गोड खायला आवडतं आणि म्हणून आम्ही गोड घेऊन आलेलो आहोत। पुडिंग मिळतं जे आपल्याला बाजारामध्ये 30-40 रुपयाला बडा ग्लास मिळत आहे, राईट, त्याचं छोटं आहे आणि हे ऍक्च्युअली लिक्विड फॉर्म मध्ये, त्यामुळे मी घेऊन आलो, काय नक्की आयटम हा बघूयात, आणि हा ग्लास मी घरी चोरून घेऊन जाणार आहे।
जाम भारी आधी मध्ये आपल्या घरी जाताना खायला म्हणून चोको चिप्स पण घेऊन आलेलो आहे. ठंड के मौसम में घर ले आ सकते हो ना, गल के जेब में चिपक जाएगा. तो वो भी दिक्कत है, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी. हाँ, और उसके अलावा यहाँ पे ये इनका खुद का पान फ्लेवर का आइसक्रीम है जो यूनिक है. शुरू करते हैं, सबसे पहले ये ट्राई करते हैं चूरोस. ऐसा लग रहा है कोकोनट बिस्किट को चॉकलेट के साथ खाया है. साखर पण याच्यावर आणि मला गरज वाटत नाही चॉकलेट लावायची, पण काय माहिती चांगलं होतं चॉकलेट लावून. बहुत क्रंची है, अच्छा लग रहा है, एकदम हॉट रहेगा ना तो और ज़्यादा मज़ा आता है. और अभी दूसरा है ये चीज़ देखो, चॉकलेट बॉल, ये जस्ट एक ट्रीट है, चलते चलते आप खा सकते हैं. इसके अंदर कोई नट्स नहीं, कुछ नहीं है, प्योर चॉकलेट है. पाइनएप्पल केक बनाया. ये जलेबी बड़ी प्यारी लगी मुझे, छोटे छोटे नन्नी मुन्नी, देखो इसे खा के देखते हैं. घी में इसको तला गया है, बहुत ही क्रंची है इतना देर होने के बाद. एक्चुअली हॉटेल मध्ये ना ह्या टेस्ट जिलेबी मिळत नाही, ही जिलेबी आपल्याला रोड साइडला मिळते. ती टेस्ट त्यांनी ठेवली, जी असल जिलेबीची टेस्ट आपण म्हणतो. करेक्ट, सही भाजा. त्यामुळे चांगलं आणि ऍक्च्युअली कडकपणा खूप आहे, कुरकुरा पण बहुत आहे, बहुत आहे. और मिठास उतनी है ना जितनी अच्छी लगे, एक हद से ज्यादा मिठास से यहाँ टन 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 लगता है दिमाग में, वैसा नहीं है. ये तो रसमलाई है, रसमलाई है, दिख रही है. ये तो रसमलाई है. एक्चुअली ये कैसा लग रहा है पता है, देखने में तो कस्टर्ड के जैसा भी लग रहा है क्योंकि फ्रूट्स के काफी सारे टुकड़े हैं. तो रसमलाई जो दूध असते जो तो करी असते ये रसमलाई है. हाँ, लेकिन ये जो बहुत पतला गाढ़ा नहीं है. और मैंने फ्रूट्स भी डाले हुए पहली बार देखा है. ये थोड़ा घट्ट वाला होता है, ये फ्रूट रसमलाई म्हणू शकतो आपण. अच्छा ट्विस्ट दिया इन्होंने, वो चीज आप ट्राई कर सकते हो, अच्छी लगी मुझे. फक्त जे दूध है ना ते थोड़ा घट्ट वाला होता. अब हम ट्राई करते हैं खीर, फिर नहीं जो एक तरह की खीरी होती है. हाँ, खीर ज्यादा दूध खीर म्हणू शकतो आपण. केसर डालने की वजह से इसका कलर चेंज हो गया शायद. केसर टकले और पिस्ता भी है इसमें. मिठास कितनी कम है देखो, बहुत कम है, बहुत कम. अच्छा लग रहा है ना. ये छोटा सा केक था, हाँ, हद से ज़्यादा सॉफ्ट है, ये तो बिल्कुल स्पॉन्ज है. क्या बात है, ये लो मतलब ज़्यादा खाओ. मेरे साइज पे जा रही है. बहुत सॉफ्ट है ये, मेरे को सबसे अच्छा लगा. ये तो डिजॉल्व हो गया, इतना स्मूथ है ना कि मुंह में डालते ही मतलब तोड़ा डाला डाला निर्गुण गया. तो ये जो केक से जो इस नन्हे मुन्ने चम्मच पे रहते हैं आप इसे ज़्यादा खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है. पुडिंग तो अच्छा है, बहुत अच्छा है. बवाल जी, एक एडवाइस देता हूँ, रेदर देन गोइंग फॉर दीज केक्स एंड बालूशाही एंड ऑल, वो तो आप बाहर भी खाते हो, पुडिंग खाओ, आइसक्रीम खाओ, केक खाओ. ये वाले केक्स खा सकते हो, चूरोस खा सकते हो, चूरोस फिर नहीं खा सकते हो तो ज़्यादा मज़ा आएगा. चलो पहले गुलाब जामुन ट्राई करते हैं, ये भी काफ़ी छोटे छोटे हैं ना. पन्ना से तो मैं आशे खाऊँ डे, प्रचंड गोड़े, प्रचंड बहुत ज़्यादा मीठा है, खतरनाक गोड़े. आणि शुगर चेक कराने जाना पड़ेगा अभी के अभी, इसलिए इसको आइसक्रीम के साथ खाते अब समझ में आया मुझे. आई थिंक ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन. चीयर्स. कितनी मीठा है, और यहाँ भी मिठास इसकी पूरी डोमिनेट कर गया आइसक्रीम को. नहीं नहीं, गुलाब जामुन खूपच गोड़े, त्याच्यामुळे आइसक्रीमची चव जायला लागली. ऍक्च्युअली मी ते दोन घेऊन आलो, मला दोन्ही मिळून खूप खायचे पण ते नाही शक्य होणार, ते खूप अति गोड आहे. इसके लिए काफी इंतजार था मुझे, पान फ्लेवर्ड आइसक्रीम. ऍक्च्युअली आपण सध्या जेवल्यानंतर पान खातो ना, तर इथे पानाचे पान आइसक्रीम खाऊन आपण आपला आजचा व्हिडिओचा शेवट करणार आहोत. सच में ऐसा लग रहा है की पानी खा लिया है आपने. सुंदर. आणि काय केलंय, पानाच्या आइसक्रीममध्ये दरवेळेला काय असतं की पाण्याचे इसेन्स टाकले जातात, तर प्रॉपर पाण्याचे इन्ग्रेडियंट त्यांनी वरनं टाकलेले आहेत. पान में मसाले भी डालते हैं ना, पान का मसाला पूरा डाला है इसमें. खोपरा हो गया आइसक्रीम पे, पूरा गुलकंद है, सब कुछ है. गुलकंद, गुलकंद का पूरा स्वाद आया अभी. चेरी है, पर बहुत अच्छा है, मस्त, एकदम मस्त. कोई बटर स्कॉच वगैरह नहीं आइसक्रीम, बटर स्कॉच में ऐसा नहीं. पान आइसक्रीम खाओ ज्यादा अच्छा है. पान आइसक्रीम या तर आता आपला एपिसोड आता संपलेला आहे पानासोबत. तर द लोकल गाइडला लाइक करा, शेयर करा, सब्सक्राइब करा. स्पाइसी पुणे को आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए. आप बोलते रहते हैं आप मराठी में क्यों नहीं बनाते, ही इज मेकिंग इन मराठी एंड वेरी गुड वीडियोज इज मेकिंग. और हम आगे हिंदी बघायचे त्यांनी यांचे व्हिडिओ नक्की फॉलो करा, आणि हे वेगवेगळ्या विषयावर पण होत असतात त्यामुळे ते त्याही तुम्हाला फायदा होऊन जाईल. अगर आप चाहते हैं हम लोग कोलैब करें और किसी वीडियो पे, तो आप ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में. मेक श्योर यू सब्सक्राइब देयर चैनल, और हम मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में. सी यू सून, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद.